हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकुला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये हमारी स्मार्ट वॉच है नॉइस की, कलर फिट पल्स 2 मैक्स। इसको हमें दोस्तों मोबाइल से कनेक्ट कैसे करना है, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो है एक ऐप को डाउनलोड कर लेना होता है, जिसका नाम है नॉइस फिट। नॉइस फिट नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको टेकन इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको चेक कर लेना है। करने के बाद में इसको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसमें आपको दो ऑप्शन देता है, गूगल का और ईमेल का। आप चाहें तो गूगल से भी कर सकते हैं, चाहें तो ईमेल से भी कर सकते हैं। एक मेल आईडी आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिए मोबाइल। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको परमिशन अलाउ कर देना है, अलाउ ओनली वाइल। यहाँ पे आपको परमिशन लोकेशन की अलाउ कर देना है दोस्तों। उसके बाद में टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस, तो आपको अपने डिवाइस को ऑन कर लेना है। हम यहाँ पे अपना जो स्मार्ट वॉच है उसको ऑन कर लेते हैं दोस्तों। करने के बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है दोस्तों। आपकी लोकेशन को जो अलाउ कर देना है और ब्लूटूथ यहाँ पे अलाउ कर देना है। जितनी परमिशन दोस्तों ये आपसे मांगते हैं आपको दे देना होगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है कलर फिट पल्स 2 मैक्स के नाम से, आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रही है। तो इस पे आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे स्टॉप अनेबल टू पेयर योर डिवाइस पे ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपकी पेयरिंग नहीं हो रही है तो आपको अपनी स्मार्ट वॉच को रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद ये पेयर हो जाती है दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ पे पेयरिंग के लिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से हमसे पूछा जाता है वॉच के अंदर में पेयर विद दिस डिवाइस और आपको राइट टिक। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं पेयर्ड सक्सेसफुल वाला ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये हमारा पेयरिंग दोस्तों मोबाइल के साथ में हो चुका है। यहाँ पे भी आपको पेयरिंग सक्सेसफुल वाला ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। अब दोस्तों हम बैक चले आते हैं, हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे दोस्तों हो चुकी। गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक कर देते हैं और ये जो हम स्किप कर देते हैं प्रोफाइल अपनी। इसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों सेटिंग अप योर डिवाइस वाला ऑप्शन आ जाता है। इसमें लोड हो जाती है दोस्तों आपकी स्मार्ट वॉच और डिवाइस सेटअप सक्सेसफुली आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमें ब्लूटूथ कॉलिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। टू यूज ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर इन दिस वॉच, कनेक्ट योर वॉच ब्लूटूथ पल्स विथ योर फोन। तो हमें यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी जो स्मार्ट वॉचेस है उसको आपको ब्लूटूथ में देख सकते हैं। पल्स मैक्स वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और करने के बाद में दोस्तों ये हमारी यहाँ से पेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट चली जाती है। और पेयर वाला ऑप्शन है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं हमारा जो पेयरिंग है दोस्तों वो यहाँ पे हो चुका है। अब हमारे पास अगर कोई भी फ़ोन आता है दोस्तों तो उसकी कनेक्टिविटी हमारी ये स्मार्ट वॉच से हो जाती है। प्लस हम स्मार्ट वॉच के थ्रू बात भी कर सकते हैं दोस्तों फ़ोन उठा के, क्योंकि इसके अंदर में स्पीकर और दोनों चीज़ें लगी होती हैं, तो हम इससे बात भी कर पाएंगे दोस्तों। तो ये हमारी कनेक्टिविटी दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है। अब माई डिवाइस वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे चले जाते हैं ऐप के अंदर में। और आप देख सकते हैं वॉच फेस वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल वॉच फेसेस दोस्तों देखने को मिलते हैं। जो भी वॉच फेस आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और वॉच अपडेट वॉच फेस वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ये डाउनलोड इसका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं वॉच फेस इज बीइंग इंस्टॉल वाला ऑप्शन देखने को हमें वहाँ मिल रहा है। और इंस्टॉल सक्सेसफुल, यहाँ पे हमारा वॉच फेस इंस्टॉल हो चुका है। तो वही सेम वॉच फेस आपका यहाँ पे अपडेट हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा और नोटिफिकेशन सेटिंग यहाँ पे है दोस्तों। नोटिफिकेशन अगर आप यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे डिसेबल है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं दोस्तों। परमिशंस आपको देनी होगी कि तारी जो आपको यहाँ पे अलर्ट दिया जाता है दोस्तों। अगर आप नोटिफिकेशन रखना चाहते हैं, इसमें बोलते हैं कि अवेयर ऑफ योर रिस्क, तो इस पर करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और जितनी भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती हैं दोस्तों वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। वो नोटिफिकेशंस को भी हम सेट कर सकते हैं। एसएमएस अलर्ट वाला ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं दोस्तों और ऑन कर सकते हैं। माई रिमाइंडर वाला ऑप्शन है, जहाँ पे अगर आप कोई रिमाइंडर ऐड करना चाहते हैं तो मोबाइल से ही रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में कॉल अलर्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ कॉलिंग ऑलरेडी ऑन है और अगर हम कॉल अलर्ट ऑन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर देने हैं दोस्तों। और हम यहाँ बैक चले जाते हैं। इसके बाद में हेल्थ मॉनिटर वाला ऑप्शन है दोस्तों। हेल्थ मॉनिटर भी अभी हमारे सब ऑफ हैं, अगर आप इसमें से कुछ ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि हार्ट रेट आप ऑन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऑन कर लीजिए। इसके बाद में रैपिड आई मूवमेंट को आप यहाँ पे ऑन कर लीजिए, है ना। ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं बहुत समय तो इसको आप ऑन कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ऑन होती जाएगी दोस्तों। हैंड वॉश अगर आप ऑन करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे अलर्ट होते हैं जो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद में माई अलार्म, गूगल फिट,
माई कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स वाला ऑप्शन है दोस्तों। अगर कोई कॉन्टैक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, और आपकी जो लिस्ट है मोबाइल की लिस्ट है दोस्तों कॉन्टैक्ट की, वो यहाँ पे आ जाती है। इसमें से कौन से नंबर आपको सिलेक्ट करना है, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों और सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं दोस्तों अब हमारे वॉच में आ जाएंगे। इसको हम डायरेक्ट इस वॉच से ओपन कर पाएंगे, कॉन्टैक्ट्स को देख पाएंगे और उनको कॉल भी कर पाएंगे दोस्तों। बैक चले जाते हैं दोस्तों, इसके बाद में हमारे क्विक रिप्लाई वाला एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे हम क्विक रिप्लाई अपनी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें किसी को भेजना है नो प्रॉब्लम आई एम मीटिंग राइट नाउ, इस तरह से आप मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, स्टॉक्स वाला ऑप्शन दिया गया है, वर्ल्ड क्लॉक दिया गया है, वर्ल्ड क्लॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। कैमरा शटर वाला ऑप्शन है दोस्तों, जहाँ पे आप अपने फ़ोन की जो इमेज आप लेना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे लेना चाहता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे आपको जो इसका मोबाइल है इस पे आपको बस एक शेक करना है, और शेक करने से आपकी फ़ोटो जो है मोबाइल की यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। तो ये आप चलिए मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रख देता हूँ, और यहाँ पे आप देखते हैं कि हम इसको शेक करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे क्लिक हो चुकी है, इमेज सेव्ड टू गैलरी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो सिर्फ शटर के नाम पे यहाँ पे आपको कोई चीज़ क्लिक भी नहीं करना है, सिर्फ आप अपना हाथ हिलाएंगे और यहाँ पे फोटो आपकी खिंच जाएगी दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे समझने आता है। इसके अलावा नीचे अनपेयर का ऑप्शन है, होम चले आएंगे दोस्तों, तो होम में आपको यहाँ पे सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी, आपका हार्ट रेट, कैलोरी, क्या बर्न हो रही है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आप यहाँ पे दोस्तों आके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपना वॉच फेस जो है इसके अंदर में अपनी खुद की फोटो लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करा देना है, क्लिक के बाद में यहाँ पे आप आ चुके हैं दोस्तों। आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप बाहर रहते हैं, यहाँ से आप वॉच फेस के जस्ट सामने एक एरो लगा होता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखा होता है कस्टम वॉच फेस, तो कस्टम वॉच फेस पे आपको क्रिएट नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप अपनी फोटो डाल सकते हैं गैलरी से, गैलरी में चले आइए, यहाँ गैलरी का ऑप्शन है, जाने के बाद में वहाँ से फोटो उठा लीजिए, हमने मान लीजिए फोटो उठा ली है दोस्तों इस तरह से, और राइट टिक पे हमने क्लिक कर दिया है, तो ये हमारी फोटो आप देख सकते हैं वहाँ आ चुकी है। अब हमारा जो टाइम है दोस्तों, वो टाइम हमें ऊपर रखना है, नीचे रखना है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम अलग अलग तरीके से, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला टाइम हमें चाहिए या ये वाला चाहिए, जो भी टाइम आपको चाहिए आप उसको ले लीजिए उस तरह से। करने के बाद में उसका जो कलर है वो क्या रखना चाहते हैं, ग्रीन रखना चाहते हैं टाइम को, या रेड रखना चाहते हैं, ब्लू, पिंक, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये सब करने के बाद में दोस्तों नीचे अपडेट वाला ऑप्शन है, अपडेट वॉच फेस पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है, आपका उसी तरह से सेम तरीके से यहाँ पे अपडेट होएगा दोस्तों, अपडेटिंग योर वॉच फेस वाला आपको ऑप्शन आ जाता है, और डाउनलोड अपलोड होने के बाद में आपका यहाँ पे ये देखिए 22% दिखा रहा है, 100% होने पर ये आपका वॉच फेस यहाँ पे सामने देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना जो मोबाइल है वो आपकी स्मार्ट वॉच जो कि कलर फिट पल्स टू मैक्स स्मार्ट वॉच है नॉइस की, इसके साथ कनेक्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।